भले ही स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने हाथ में ले रखा हो, अपने कंधों पर ले रखा हो और उसे सही तरीके से चलाने के लिए प्रयासरत भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के विभाग के अधिकारी उनके ही दामन पर दाग लगाने का काम कर रहे हैं। आलम यह है कि बाजपुर में फर्जी अस्पतालों का बोलबाला है जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाजपुर में फर्जी अस्पतालों का बोलबाला इसलिए क्योंकि झोला छाप अस्पताल डॉक्टर यहाँ पर अस्पताल खोलकर बैठे हैं जो लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। जानकारी होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इन पर कार्रवाई नहीं करते। बता दें कि बाजपुर के दोराहा में ACMO अविनाश खन्ना ने बीते 4 दिन पहले फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई की थी और 3 अस्पतालों को सील किया था, लेकिन दोराहे पर स्थित वरदान हॉस्पिटल के संचालक ने अधिकारियों की बिना अनुमति के सरकारी सील को तोड़ दिया और अस्पताल में मरीजों को दाखिल करना शुरू किया। कमेटी बैठी हुई है और उसकी जांच जो है भी विचाराधीन है, चल रही है और जैसी जांच पूरी होगी तो उसकी पूरी खबर जो है उसको अवगत करा दिया जाएगा। वरदान अस्पताल जो है 2-3 दिन हो गए थे उन्हें बंद किए हुए, उन्हें अल्टीमेटम दिया गया था कि तत्काल जो है, चूंकि हमने टेम्परेरी सील करा था कि उनके पास दस्तावेज उस दिन मौके में मौजूद नहीं थे, उसके बाद यदि वो अपने दस्तावेज और चिकित्सक से अपना वो दिखवाएंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे तो उसके बाद जो उनकी टेम्परेरी सील को जो है खोल लिया जाएगा, ऐसा उन्हें आश्वासन दिया गया। यहाँ पे इसके पास डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर ना होने के बाद भी इसने ऑपरेशन करा। ऑपरेशन करने के बाद भी जब प्रॉब्लम आई है, जो इसने एनेस्थीसिया दिया था, प्रॉब्लम आने के बाद जो भी हुई है मम्मी को, हमने इसको बोला कि इसका ट्रीटमेंट क्या है आगे, इसने हमको उल्टे पैर वापस भेजे। यहाँ तक कि जिसने एनेस्थीसिया ट्राई किया था वो डॉक्टर हमसे बदतमीजी से बात कर रहा था। इतना अधिकार इनको किसने दे रखा है? इनके पास डॉक्टर भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर हमने प्रशासन में हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? इसके एविडेंस इकट्ठा किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को इसको सूचित किया जा रहा है कि इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें। दूसरा एक और प्रकरण है, उसमें हाल में ही स्वास्थ्य विभाग ने जांच की थी और उसकी स्थानीय स्तर पर जो रिपोर्ट थी वो सितंबर माह में CMO को भेजी गई है कि वो हॉस्पिटल एक पर्टिकुलर पद्धति के लिए मात्र पंजीकृत है, उसके बाद भी वहाँ पर ऑपरेशन हुए हैं ये जाँच में पाया गया है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए शनाशन संस्तुति गई है। वो जिला स्तर पर कहाँ पेंडिंग है अभी CMO साहब से बात करके उसका समाधान किया जाए।